चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमारा कैपिटल गेन चल रहा है एक क्लास हो चुकी है फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा सेक्शन 45 जो कि चार्जिंग सेक्शन है इस हेड के लिए सेक्शन 45 बता रहा है कि इस हेड में क्या टैक्सेबल है तो सेक्शन 45 ने कहा कि एनी प्रॉफिट या गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ठीक है जी इन जनरल कैपिटल गेन इज नॉट टैक्सेबल लेकिन क्योंकि इसे इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया है इनकम की डेफिनेशन का सेक्शन क्या है हमारे पास 224, ट्वेंटी फोर राइट तो उसमें इंक्लूड कर लिया गया है तो इसलिए अब इसे इनकम कंसिडर किया जाता है कैपिटल गेन को और इसके ऊपर टैक्स हमें पे करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस हेड ठीक तो हमने देखा जी सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी एसेट कैपिटल एसेट होती है कौन सी एसेट कैपिटल एसेट नहीं होती क्योंकि सेक्शन 45 ने कहा कि प्रॉफिट या गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट तो जी सिर्फ कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पर जो प्रॉफिट या गेन होगा वो इस हेड में टैक्सेबल है अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो कहता है जी जो प्रॉफिट या गेन होगा वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है ठीक है कैपिटल एसेट के अंदर हमने देखा कि थ्री एसेट्स को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया हुआ है पहला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एस एससी एनी काइंड का मतलब हमने कहा जी टेंजिबल है इनटेंजिबल है मूवेबल uh, है इमूवेबल है कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन फिर दूसरा इन्होंने कहा एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और तीसरा इन्होंने ऐड किया एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी टू विच एक्समेशन अंडर सेक्शन टेन डज नॉट अप्लाई सिंपल सी बात ठीक है फिर इन्होंने कहा कि भाई इन इनको हम कैपिटल एसेट में कंसिडर नहीं करेंगे स्टॉक इन ट्रेड हो गया प्रॉपर्टी ऑफ पर्सनल इफेक्ट हो गई है स्पेसिफिकली मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है यहां पर राइट इसके अंदर भी इन्होंने कहा जी ज्वेलरी है आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है ड्रॉइंग्स है पेंटिंग्स है स्कल्पचर्स है एनी वर्क ऑफ आर्ट उसे हम कंसिडर करेंगे कैपिटल एसेट फिर उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सक्लूड किया और इनका मेन मोटिव क्या था रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सक्लूड करना राइट right. लेकिन अगर कोई लैंड स्पेसिफिकली इस एरिया में कवर हो रही है तो वो लैंड कैपिटल एसेट कंसिडर की जाएगी चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड ही क्यों ना आए ठीक है जी उसके अलावा कुछ बोन्स बताए गए जो कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने इशू किए जहां पर गवर्नमेंट की इंटेंशन थी फंड्स रेज करने की तो उन बोन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया कि इन्हें कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं किया जाएगा ये चीज मैं हाईलाइट कर चुका था प्रीवियस क्लास में कि जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते तो इट शेल इंक्लूड एंड शेल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड एनी राइट इन और इन रिलेशन टू एनी इंडियन कंपनी राइट जैसे कि मैंने कहा कि भैया अगर मैं कंपनी आपको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा तो कंपनी को मैनेज करने का राइट ट्रांसफ़र कर रहा हूं तो यहां पर यह कहा गया कि भैया अगर मैनेज करने का राइट ट्रांसफ़र हो रहा है अगर कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है तो अल्टीमेटली कंपनी की एसेट्स को एन्जॉय करने का राइट uh, ट्रांसफर right हो रहा है कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है तो उसे भी ट्रांसफर में कंसीडर किया जाएगा तो सिर्फ हम प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्टी में जो राइट right है जो इंटरेस्ट है उसे भी कैपिटल एसेट ही कंसीडर किया जाएगा ठीक है जी फिर हमने देखा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है तो इन जनरल हमें होल्डिंग पीरियड क्या कंसीडर करना है 36 सिक्स मंथ्स का लेकिन कुछ केसेस के अंदर कम होल्डिंग पीरियड भी डिफाइन किया गया जैसे कि अनलिस्टेड शेयर्स केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड बिल्डिंग और बोथ सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ सिर्फ इस केस में बाकी इमूवल प्रोपर्टी केस में थर्टी सिक्स मंथस है लेकिन लैंड बिल्डिंग या फिर बोथ इन केस के अंदर ट्वेंटी फोर मंथ्स होल्डिंग पीरियड कंसिडर करना है और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड नॉर्मल म्यूचुअल फंड की बात नहीं की जा रही है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या फिर जीरो कूपन बोन्ड्स इस केस के अंदर हमें सिर्फ 12 मंथ्स कंसीडर करना है होल्डिंग पीरियड तो जी होल्डिंग पीरियड से ज़्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हैं जो यहाँ डिफाइन किया गया है थ्रेश लिमिट कह सकते हैं हम राइट थर्टी सिक्स मंथ्स ट्वेंटी मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गई अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो गई ठीक है जी अब यहाँ पर कुछ केसेस भी बताए गए कि भैया किस केस के अंदर कौन सा पीरियड इंक्लूड किया जाएगा कौन सा पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा चलिए ट्रांसफ़र को भी हम पढ़ चुके हैं ट्रांसफर की डेफिनेशन 247 के अंदर दे रखी है और ट्रांसफ़र की डेफिनेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 45 ने कहा कि प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट तो जो ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं हो रही उस ट्रांजेक्शन से कहता कोई भी प्रॉफिट होगा कोई भी गेन होगा वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है आ जाइए जी, जी हमें स्टार्ट करना है ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर सेक्शन फोर्टी सेवन तो किन ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाएगा स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है कहता है जब ट्रांसफर ही कंसिडर नहीं किया जाएगा तो किसी भी पार्टी को उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है वो प्रॉफिट या गेन इस हेड में टैक्सेबल नहीं है हो सकता है किसी और हेड में टैक्सेबल हो बट इस हेड में टैक्सेबल नहीं है राइट right? हाँ जी इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ एच यू एफ तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल या पार्शल पार्टीशन ऑफ एच यू एफ एच यू एफ का पार्टीशन होता है तो जी को पार्शनर्स को अपना अपना हिस्सा मिलता है तो लोन ने कहा कि भैया उसको हम ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांसफ़र कंसिडर नहीं करेंगे और उस केस में हम ये मान के नहीं चलेंगे किसी को कोई प्रॉफिट हो रहा है और उसके ऊपर किसी को कोई टैक्स पे करना है राइट तो एक्चुअल में प्रॉपर्टी किसकी होती है एच की जब पार्टीशन होता है तो कहते हैं अलग अलग को पार्शनर्स को उनका हिस्सा मिलता है राइट उनका शेयर मिलता है तो एच से को को शेयर जा रहा है एसेट्स जा रही है वैसे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एच से को पार्टनर को एसेट ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन क्योंकि ये फैमिली इंटरनल मैटर है पार्टीशन है डिवीजन है राइट फैमिली सेटलमेंट है तो लोन ने इसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया और कहा कि भैया हम मान के नहीं चलेंगे कि एच से को पार्टनर को कुछ ट्रांसफर हो रहा है और इसके ऊपर इस ट्रांजेक्शन के ऊपर या इस अरेंजमेंट के ऊपर इस पार्टीशन के ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना हाँ जी इन केस ऑफ गिफ्ट और विल तो एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर अ गिफ्ट और विल और एन इरिवोकेबल ट्रस्ट तो ट्रस्ट दो तरह की हो सकती है रिवोकेबल और इन रिवोकेबल ट्रस्ट का मतलब कि अगर मैं अपनी किसी प्रॉपर्टी के लिए एक ट्रस्ट क्रिएट कर दूं फॉर द बेनिफिट ऑफ लेट्स से माय फैमिली मान के चलिए मेरे पास एक बड़ी सी हवेली है ठीक है अब मुझे पता है कि भैया मेरे बच्चे छोटे हैं लेट से मेरी डॉटर सेवन इयर्स की है मुझे पता है कि मेरी वाइफ इस हवेली को हैंडल नहीं कर सकती ठीक है वो इतनी कंपिटेंट नहीं है या फिर वो हम कह सकते हैं बिजनेस वूमेन नहीं है अब मैं क्या करूँगा कि मुझे ये हवेली अपनी फैमिली के लिए सिक्योर करनी है तो मैं डोनर जिसकी ये प्रॉपर्टी है जिसकी ये एसेट है तो मैं कौन हो गया डोनर मैं क्या करूंगा मैं किसी को अपॉइंट करूंगा एक ट्रस्ट क्रिएट करूंगा मैं ट्रस्ट क्रिएट करके किसी को एज ट्रस्टी अपॉइंट करूंगा उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए लेट से मिस्टर एक्स को जिसके ऊपर मुझे विश्वास है कि मिस्टर एक्स इस प्रॉपर्टी को फॉर द बेनिफिट ऑफ माय फैमिली मैनेज करेंगे इन ट्रस्ट विश्वास में राइट right? इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम ही ट्रस्ट रख दिया गया जहाँ विश्वास पर सामने वाले को प्रॉपर्टी दे दी जाती है कि सामने वाला उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा मैनेज करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी तो मेरी फैमिली यहाँ पर बेनिफिशियरी हो गई अब जी ट्रस्ट जब क्रिएट की जाती है तो उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी जाती है कि भाई ट्रस्ट रिवोकेबल है या इ रिवोकेबल है पब्लिक ट्रस्ट जनरली इिवोकेबल होती है राइट पब्लिक ट्रस्ट का मतलब अगर मैं कोई चीज़ इन ट्रस्ट दे रहा हूँ फॉर चैरिटेबल परपज फॉर जनरल पब्लिक पर्पज लेट से मैं कह रहा हूँ जी मेरी ये हवेली है ये आ, मंदिर को मैंने इंट्रस्ट दे दी तो वो इिवोकेबल होती है एक बार बोल दिया तो बोल दिया बस उसको मैं रिवोक नहीं कर सकता लेकिन ये जो ट्रस्ट का एग्जाम्पल मैंने लिया कि प्राइवेटली मेरी फैमिली की बेनिफिट के लिए ट्रस्ट क्रिएट की जाएगी तो इट मे भी रिवोकेबल इट मे भी इिवोकेबल लो ने कहा कि आप इर रिवोकेबल ट्रस्ट मतलब जिसको आप बाद में वापिस नहीं ले सकते आपने जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे दी ट्रस्ट से प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते तो इिवोकेबल ट्रस्ट अगर इ रिवोकेबल ट्रस्ट में मैंने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी फॉर द बेनिफिट ऑफ माई फैमिली तो इस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाएगा जबकि एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी है वो मुझसे ट्रस्ट को ट्रांसफर हुई है फॉर द बेनिफिट ऑफ माई फैमिली लेकिन इस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर ये ट्रस्ट इ रिवोकेबल है मैं चाहकर भी रिवोक नहीं कर सकता ठीक है जी उसके अलावा आपको यह याद रखना है गिफ्ट में कोई भी चीज आपको मिल रही है या अंडर विल आपको कोई भी चीज मिल रही है उसके ऊपर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना प्रोवाइडेड दैट दिस क्लोज शैल नॉट अप्लाई टू ट्रांसफर अंडर अ गिफ्ट और एन इिवोकेबल ट्रस्ट ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स और वॉरेंट्स एलोटेड बाय द कंपनी डायरेक्टी और इन टू द एम्प्लॉयज अंडर द दिसोप तो इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया भैया अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कंपनी अपने एंप्लॉज को शेयर्स दे रही है डिबेंचर्स दे रही है वॉरंट्स दे रही है इस ऑप में लेट से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है कंसेशनल रेट पे दे रही है राइट right? तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट का मतलब कंपनी एक ट्रस्ट क्रिएट करेगी ट्रस्ट को वो शेयर्स या या वॉरंट्स दे दिए जाएंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंप्लॉज तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है कंपनी के केस में अगर कंपनी एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर्स डिबेंचर्स या वारंट्स ट्रांसफ़र कर रही है तो चाहे वो इनडायरेक्टली का मतलब ट्रस्ट के थ्रू कर रही है चाहे वो डायरेक्टली कर रही है कहता है ये ट्रांजेक्शन को ट्रांसफ़र कंसिडर किया जाएगा और अगर उसमें एम्प्लॉइज़ को कोई गेन हो रहा है तो उसे कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा जिस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा फिर जी केसेस रिलेटेड टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी तो अगर आप हेडिंग्स याद रख सकते हैं जो मैंने हेडिंग्स यहां पर बनाई है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कहता है इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी टू इट्स हंड्रेड परसेंट इंडियन सब्सिडरी कंपनी तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओनड होली ओण्ड हंड्रेड परसेंट का मतलब होली ओन्ड इंडियन सब्सिडी कंपनी को कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रही है एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड तो क्या हो गया बिजनेस के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है राइट तो एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड अगर कोई भी कंपनी अपनी होली ओन इंडियन सब्सिडी को कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रही है तो कहता है उस ट्रांजेक्शन के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जाएगा उसे ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाएगा इसी तरह इन केस ऑफ हंड्रेड परसेंट सब्सिडी टू इट्स इंडियन होल्डिंग तो होलिओन सब्सिडी कंपनी अपनी इंडियन होल्डिंग कंपनी को कुछ भी ट्रांसफर कर रही है कोई भी कैपिटल ट्रांसफर कर रही है तो कहता है जी उसे ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाएगा फिर इन केस ऑफ स्कीम ऑफ अमल गमेशन अब जी अमल गमेशन में क्या होता है लिमिटेड बी लिमिटेड ए बी में अमल गमेट हो गई तो एक की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई ए की जितनी भी एसेट्स है बी के पास चली गई एक ही जितनी भी लाइबिलिटीज है बी के पास चले गए ए के जो शेयर होल्डर्स हैं वो बी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे ए के जो क्रेडिटर्स हैं वो बी के क्रेडिटर्स बन जाएंगे तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ए की जो एसेट्स है कैपिटल एसेट्स वो किसको ट्रांसफर हो गई बी को ट्रांसफर हो गई राइट right? अगर एक्चुअल में इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर कंसीडर किया जाता तो बहुत हैवी कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता राइट right? लेकिन अमल मर्जर्स रिकंस्ट्रक्शन इनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया ताकि एक्चुअल में जो कंपनीज इंडिविजुअली सरवाइव नहीं कर पा रही या कंपनीज को लगता है कि यार एक्चुअल में अमल या मर्जर ज्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन है दूसरी कंपनी के साथ अमल गमेट होकर हम लोग अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं अपनी वीकनेस डिक्रीज़ कर सकते हैं तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इन चीज़ों को एग्जैम्ट कर दिया है कि भाई यहाँ पर एक्चुअल में इंटेंशन सेल नहीं है इंटेंशन दो अलग अलग एंटिटीज़ का आपस में मर्जर है एक दूसरे का साथ देना है तो हम ये नहीं मान के चलेंगे कि एक ने दूसरे को अपनी सेट सेल कर दिया है राइट तो उन्होंने क्या कहा इन केस ऑफ अमल गमेटिंग कंपनी टू अमल गमेटेड कंपनी तो एनी ट्रांसफर इन द स्कीम ऑफ अमल गमेशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय द दमेटिंग कंपनी टू द अमल गमेटेड कंपनी इफ द अमल गमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी फिर जी इन केस ऑफ अमल गमेटिंग फॉरन कंपनी टू अमल गमेटिंग फॉरन कंपनी अब ध्यान दीजिए एक्चुअल में फॉरन कंपनी से हमारा क्या लेना देना है कोई भी लेना देना नहीं है फॉरन कंपनी से हम कह रहे हैं कि इस केस में ए लिमिटेड भी फॉरन कंपनी है बी लिमिटेड भी फॉरेन कंपनी है तो हमारा क्या मतलब है एक फॉरेन कंपनी दूसरी फॉरेन कंपनी से अमलगमेट हो भी रही है तो कब होगा हमारा मतलब कहते हैं जब ये जो फॉरेन कंपनी है ना ए लिमिटेड ये इंडियन कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रही है जब ए की सारी एसेट्स बी को जाएगी तो ए के पास जो इंडियन कंपनी के शेयर्स थे वो भी किसको जाएंगे बी को जाएंगे तो क्या ट्रांसफर हो रहा है कुछ ऐसी चीज विच इज़ रिलेटेड टू इंडिया मतलब इंडियन एसेट ट्रांसफर हो रही है ए से बी को तो क्या इसको ट्रांसफर कंसीडर किया जाएगा हाँ जी एनी ट्रांसफर इन द स्कीम ऑफ अमल ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग द शेयर और शेयर्स हेल्ड इन द इंडियन कंपनी हेल्ड इन द इंडियन कंपनी तो जी जो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है वो क्या ट्रांसफर हो रहा है ए के पास किसी इंडियन कंपनी के कुछ शेयर्स थे ए बी में अमल गमेट हो रही है तो ए की सारी एसेट्स बी को जा रही है तो ये जो इंडियन कंपनी के शेयर्स है वो भी बी को जा रहे हैं ठीक आ जाइए जी दमल गमेटिंग फॉरन कंपनी टू अमल गमेटेड फॉरन कंपनी इफ एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द अमल गमेटिंग फॉरन कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन द शेयर of ऑफ अमलगमेटेड फॉरन कंपनी तो ए के जो कम से कम एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर होल्डर आफ्टर अमलगमेशन किसके शेयर होल्डर बने बी के पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या कहा कि जिस भी कंट्री के अंदर ये दोनों कंपनीज है जिस भी कंट्री के अंदर उस कंट्री में भी अमलगमेशन पर जैसे इंडिया में हमने देखा ना कि अगर अमल हो रहा है तो भैया कोई कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होता इसी तरह उस कंट्री में भी अमल पर कोई टैक्स पे नहीं करना ए लिमिटेड को या बी लिमिटेड को मतलब एग्जम्पटिड है उस कंट्री में भी ये ट्रांजेक्शन तो इंडिया में भी इस ट्रांजेक्शन को एग्जम्पन दी जाएगी इसे ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं किया जाएगा और इन शेयर्स के ट्रांसफ़र पर कोई कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा सच ट्रांसफर डज नॉट अट्रैक्ट टैक्स ऑन कैपिटल गेन इन द कंट्री इन विच अमल गमेटिंग कंपनी इज इन ठीक है जी फिर इन्होंने कहा जी इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी विद द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज जो छोटे मोटे बैंक्स थे वो अब क्या हो रहे हैं बड़े बैंक्स में मर्ज हो रहे हैं राइट तो अमलगमेशन हो रहा है छोटे बैंक्स बड़े बैंक्स के अंदर मर्ज हो रहे हैं कहता है इफ़ द स्कीम इज सेंशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो उस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाएगा और किसी भी बैंक को उस ट्रांसफर ऑफ एसेट्स पर कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना इन द स्कीम ऑफ अमल गमेशन एनी ट्रांसफर बाय द शेयर होल्डर इन द अमल गमेटिंग कंपनी अब एक्चुअल में अमल में क्या होता है जैसे मैं मान के चल रहा हूँ जी ए और अमल हो गई बी में तो ए के जो शेयर्स है ए के जो शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स क्या करेंगे सरेंडर ए के शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स क्या करेंगे सरेंडर किसको दे देंगे ए को बदले में बी से इनको क्या मिलना है बी के शेयर्स तो एक्चुअल में ये मान के चला जाएगा ए ने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए मतलब ये शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए ए को जिसके बदले शेयर होल्डर्स को क्या मिला इन कंसिडरेशन के शेयर्स राइट right? तो कहता नहीं हम इसे ट्रांसफर कंसीडर नहीं करेंगे एनी ट्रांसफर बाय अ शेयर होल्डर इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ द कैपिटल एसेट बीइंग द शेयर और शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन द अमल गमेटिंग कंपनी इफ द ट्रांसफर इज मेड इन कंसीडरेशन ऑफ द अलॉटमेंट टू हिम ऑफ एनी शेयर और शेयर्स इन द अमल कंपनी एंड अमल कंपनी इज एन इंडियन कंपनी ठीक है जी केसेस रिलेटेड टू स्कीम ऑफ डी मर्जर तो जैसे अमल में देखा वैसे ही डीमर्जर के केस में कहता है जी जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसे ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं किया जाएगा अच्छा फ़ोरन डीमर्जिंग कंपनी टू फॉरन डीमर्ज्ड कंपनी कहता है ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं किया जाएगा बस फ़र्क इतना है ए डीमर्ज हुई बी में और सी में ठीक तो ए की जो एसेट्स ए के पास क्या थे इंडियन कंपनी के शेयर्स तो जब ए मर्ज होगी बी और सी में तो ए के जो, जो ए के पास जो इंडियन कंपनी के शेयर्स थे वो बी को या सी को ट्रांसफर होंगे ऑब्वियस सी बात है राइट कहता है उसे ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाएगा इफ द शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन थ्री फोर्थ इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द डिमर्ज फॉरन कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन द शेयर होल्डर्स ऑफ द रिजल्टिंग फॉरन कंपनी ए के जो शेयर होल्डर्स थे कम से कम थ्री फोर्थ इन वैल्यू आफ्टर डी मर्जर या तो बी के शेयर होल्डर बने या फिर सी के शेयर होल्डर बने ठीक है प्लस जिस भी कंट्री के अंदर ये फॉरन कंपनियाँ उस कंट्री में भी इस ट्रांसफर के ऊपर कोई टैक्स अप्लीकेबल ना हो फिर वही शेयर होल्डर वाला केस है यानी ट्रांसफ़र और इशू ऑफ़ शेयर्स बाय द रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डी मजर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी इफ़ द ट्रांसफर और इशू इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ द डीमर्ज डीमर्जर ऑफ़ द अंडरटेकिंग ठीक है जी कुछ और केसेस आपकी बुक में दे रखे हैं अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट सेक्शन फोर्टी सेवन नहीं है सेक्शन फोर्टी सेवन में और भी बहुत सारे केसेस दे रखे हैं हम लोग जो यहाँ पर केसेस पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिकली जो आपके कोर्स में कवर किए गए हैं ठीक है अदरवाइज इसके अलावा सेक्शन 47 के अंदर तो कन्वर्जन ऑफ बिजनेस रिलेटेड भी प्रोविजंस दे रखे हैं कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी में कन्वर्ट होती है तो सोल प्रोप्राइटरशिप के एसेट्स कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे उस केस में क्या होगा कोई पार्टनरशिप कहता है एल में कन्वर्ट होती है या कंपनी में कन्वर्ट होती है कोई एल कंपनी में कन्वर्ट होती है तो उस केस में जो एसेट्स ट्रांसफ़र होंगे तो कब ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं की जाएगी इवन वो केसेस भी कवर किए हुए हैं सेक्शन 47 में राइट right? लेकिन आपकी क्योंकि बुक में कोर्स कंटेंट में नहीं कवर किए हुए तो इसलिए मैं यहाँ पर कवर नहीं करवा रहा हूँ ऑल दो प्रीवियस जो बैचेज चलते थे उनमें मैं कवर करवाता था बट बच्चों की शिकायत ये होती थी कि जो कोर्स कंटेंट है उतना भी कवर हो जाएगा सर वही बहुत है तो इसलिए मैंने इस बार उसको स्पेसिफिकली हटा दिया है हाँ जी एनी ट्रांसफ़र अच्छा यहाँ पर ना ध्यान दीजिए जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ना तो उसमें मेनली क्या है कि ट्रांसफर हो रही है नॉन रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफ़र हो रही है आउटसाइड इंडिया और ट्रांसफ़र किस चीज़ से रिलेटेड है बॉन्ड और जी डी आर ए डी आर जी डी आर पता है ना बॉन्ड या जी डी आर ठीक है तो क्योंकि आउटसाइड इंडिया हो रही है एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट को हो रही है और ट्रांसफर भी किस चीज का हो रहा है कहता है फॉरन बॉन्ड्स का या फिर जी जो कि फॉरन में इशू किया जाता है बाय द इंडियन कंपनी तो कहता है उसके ऊपर कैपिटल गेन इंडिया में नहीं चार्ज किया जाएगा एनी ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट बींग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी ई आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट अगेन वही चीज़ ऊपर बोंड्स को जी को कवर किया गया नीचे रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अल्टीमेटली इंडियन कंपनी ने कहाँ इशू करें किए तो आउटसाइड इंडिया इशू ट्रांसफर किसके बीच में हो रही है एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांसफर कहाँ हो रही है आउटसाइड इंडिया हो रही है ऊपर भी तो यही चीज़ थी तो कहता है जब आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर हो रही है एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांसफर हो रही है और फॉरन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं वेदर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी और डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी रुपी कर राइट right? तो कहता है वो क्योंकि आउटसाइड इंडिया ट्रांजेक्शन हो रही है दो नॉन रेजिडेंट के बीच में हो रही है तो उसको एग्जाम कर दिया गया अभी उसके ऊपर हम इंडिया में कैपिटल गेन चार्ज नहीं करेंगे अगर करते तो फॉरनर्स फिर इंडियन कंपनी के ये बॉन्ड्स जी या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ये परचेज ही नहीं करते अगर वो आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं तब भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा तो वो परचेज नहीं करेंगे इसका मतलब वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे इंडियन कंपनी के अंदर एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बींग बोंड और जी डी आर रुपी डिनोमिनेटेड दिनो, बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी डेरीवेटिव और सच अदर सिक्योरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ मेड बाय अ नॉन रेजिडेंट ऑन अ रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज कब जब ये रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर लोकेटेड है इन एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर मान के चला जाता है मान के चला जाता है कि भैया आउटसाइड इंडिया है फॉर इकोनॉमिक पर्पस जैसे एस सी जेड के केस में मान के चला जाता है ना कि चाहे वो एरिया इंडिया के अंदर या पर हम इकोनॉमिकली मान के चलते हैं वो आउटसाइड इंडिया है फ़ौरन है वो इसी तरह ये भी क्या मान के चला जाता है कि एक तरह से फौरन है जी एस सी जेड के अंदर आ, ये एरिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश किया जा सकता है तो उसके अंदर अगर कोई रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज है और उस रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र हो रहा है कौन कर रहा है एक नॉन रेजिडेंट कर रहा है एंड वेयर द कंसीडरेशन फॉर फॉर सच ट्रांजैक्शन इज़ पेड या पेबल इन फॉरेन करेंसी तो अगेन एक एरिया चाहे वो इंडिया में ही है लेकिन इकोनॉमिकली मान के चला जाता है वो एरिया क्या है फ़ोरन वो एरिया कौन सा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अगर उस एरिया में कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश्ड है और उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर ये मेनली जो फॉरेन बोन्स uh, है जी है राइट अगर वो ट्रांसफर किए जाते हैं बाय द नॉन रेजिडेंट तो भैया फॉरन में ही एक तरह से ऊपर वाला केस ही तो आ गया फॉरन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है नॉन रेजिडेंट ट्रांसफ़र कर रहा है फ़ौरन बॉन्ड्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और कंसिड्रेशन भी फ़ौरन करेंसी में ही पेएबल है तो इसे ट्रांसफ़र कंसिडर नहीं किया जाएगा कुल मिला के कहने का मतलब है इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होता फिर जी रिडम्पशन ऑफ सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट तो ये तो स्पेसिफिकली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इशू किए गए थे कि गवर्नमेंट को फंड्स रेज करने हैं जी फाइनेंशियल डिफिक्ट तो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया कि भैया लोग ये बॉन्ड परचेज करें कि जब आप फ्यूचर के अंदर इनको रिडीम करवाओगे तो कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा तो इनको हम टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी कह सकते हैं एक तरह से हाँ जी एनी ट्रांसफ़र ऑफ वर्क ऑफ आर्ट साइंटिफिक और आर्ट कलेक्शन बुक्स मैन्यूस्क्रिप्स ड्राॅइंगस पेंटिंग्स किसको ट्रांसफ़र कर रहे हो कहता है जी गवर्नमेंट को किसको गवर्नमेंट को या किसी यूनिवर्सिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट कर रहे हो एक तरह से नेशनल म्यूजियम को नेशनल आर्ट गैलरी को नेशनल आर्चिवस को अगर आप इनको ट्रांसफर कर रहे हो तो कहता है उसके ऊपर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना मतलब गवर्नमेंट को कोई कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना ठीक एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स या डिबेंचर्स स्टॉक्स और डिपॉजिट्स ऑफ अ कंपनी इनटू शेयर या डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी तो जी कंपनी में ध्यान दीजिए मैं एक वर्ड में कह रहा हूँ अगर किसी कंपनी के शेयर को इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है कहता है उसे हम ट्रांसफ़र कंसिडर नहीं किए करेंगे ठीक कायदे से देखा जाए आपने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स ले रखे हैं अब आपको कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के बदले इक्विटी शेयर्स दे रही है तो देखा जाए तो आप ये प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी को ट्रांसफर करते हैं सरेंडर करते हैं फिर कंपनी आपको इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर करती है तो एक तरह से आपके प्रेफरेंस शेयर्स जो आप कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हो उसके इनकन्डरेशन कंपनी आपको इक्विटी शेयर्स दे रही है तो लो ने कहा जी कन्वर्जन को हम ट्रांसफर कंसिडर नहीं करेंगे और इसके ऊपर किसी को कोई कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना तो चाहे हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है चाहे हम बात कर रहे हैं कि डिबेंचर्स से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है चाहे हम बात कर रहे हैं कि बॉन्ड से डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो रहा है डिपॉजिट से डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो रहा है डिपॉजिट से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उन सबको एग्जम्प्ट कर दिया गया यहाँ पर ठीक है जी फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मोटगेज रिवर्स मोटगेज क्या होता है अगर पता हो तो पता है किसी को रिवर्स मोटगेज मोटगेज करना क्या होता है मोटगेज तो बताइए क्या होता है गिरवी रखवाना रिवर्स मोट गेज क्या होता है मान के चलिए मेरे पास एक हाउस है मेरे पास फॉर द टाइमिंग कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है अब जी अगर मैं ये घर बेच दूँगा तो मुझे लगता है चलो पैसे तो आ जाएंगे रहूँगा कहाँ मैं जाता हूँ जी एल के पास कि जी ये मेरे पास घर है और लेट से मेरी एज भी इस वक्त लेट से सेवेंटी ईयर्स है तो मैं अल्लाह आई को कहता हूँ भैया आप मुझे मंथली पैसा दीजिए लेट से मुझे ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ आप मुझे दीजिए जिससे मेरा जीवन चलता रहे रोजी रोटी चलती रहे और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा ये घर बेचकर अपने पैसे रिकवर कर लीजिएगा तो इसका मतलब पहले मैं इस घर पे हक़ नहीं दे रहा हूँ पहले पैसे ले रहा हूँ हक बाद में जाएगा जब मैं मर जाऊँगा ठीक तो इससे क्या होगा कि मेरे पास अपना घर भी होगा रहने के लिए और मुझे मंथली इनकम भी होती रहेगी एल से मंथली अमाउंट मिलता रहेगा और जब मैं मर जाऊँगा उसके बाद मुझे इस घर का क्या करना है अपने साथ ऊपर थोड़ा ना ले जाना है राइट और मैं किसी और के लिए क्यों छोड़ के जाऊँ जो अगर मान के चलिए मेरे बच्चे हैं या मेरे रिलेटिव्स हैं जो मुझे रोटी भी नहीं दे पा रहे इसीलिए तो मुझे एल के पास जाना पड़ा तो मैं उनके लिए घर क्यों छोड़ के जाऊँ राइट तो एल को मैं कहूँगा भैया जब मैं मर जाऊँगा तो घर बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेना और जो एक्सेस अमाउंट बच जाए वो मेरे लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र कर देना ठीक तो ये बेसिकली इज्जत के साथ रहने वाली स्कीम है एक तरह से इस स्कीम को क्या बोलते हैं रिवर्स मोटगेज तो रिवर्स मोटगेज के अंदर आप देख रहे हो हाउस ट्रांसफ़र हो तो रहा है किसको को एल को आफ्टर डेथ ठीक तो कहता है इसे ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाएगा और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना हाँ जी फिर ये जो दो पॉइंट है इन्हें समझने की कोशिश कीजिए म्यूचुअल फंड आपको पता है क्या होता है अगर लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो जी म्यूचुअल फंड क्या होता है काइंड ऑफ ट्रस्ट ठीक है तो एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं जी म्यूचुअल फंड ट्रस्ट क्या है म्यूचुअल फंड यह ट्रस्ट फिर अपॉइंट करती है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यह एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस ट्रस्ट के नाम पे म्यूचुअल फंड के नाम पर अलग अलग स्कीम्स लेके आती है अलग अलग पहले मैं कहूंगा प्लान्स लेके आती है प्लान वन प्लान टू प्लान थ्री प्लान फोर ठीक है प्लान वन इक्विटी ओरिएंटेड प्लान इक्विटी शॉर्ट में लिख दू इक्विटी ओरिएंटेड प्लान प्लान टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लान प्लान थ्री डेट सिक्योरिटीज प्लान प्लान फोर गोल्ड प्लान अब जी प्लान वन के अंदर स्कीम अलग अलग स्कीम्स होगी ठीक लेट्स से स्कीम वन इस स्कीम के अंदर जो ये एएमसी है मतलब इन जो वर्क इन द नेम ऑफ म्यूचुअल फंड जो ये एएमसी है ये ऑफर कर रही है कि आप जो पैसे दोगे हम वो पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे जो कि टॉप हंड्रेड कंपनीज होगी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे टॉप हंड्रेड कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में इक्विटी ओरिएंटेड प्लान है तो इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट किया जाएगा मेजरली इस प्लान के अंदर मनी <coughs> तो इसमें भी अलग अलग स्कीम्स है तो टॉप हंड्रेड कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा या फिर दूसरी स्कीम कि आजकल फार्मा कंपनीज का बड़ा डिमांड चल रहा है आपके जो पैसे होंगे वो टॉप टेन फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा या फिर प्लान थ्री आजकल जी लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट है लोगों की हालत खस्ता हो रही है तो बैंकिंग कंपनीज के शेयर्स भी ऊपर जा सकते हैं तो आपके जो Uh, पैसे हैं वो बैंकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे बैंकिंग कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में ठीक तो इसका मतलब अलग अलग प्लान्स हो सकते हैं एक ही म्यूचुअल फंड के और उन प्लान्स में अलग अलग स्कीम्स हो सकती है ठीक है तो जी इस सब को रेगुलेट करने वाला कौन है म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को म्यूचुअल फंड के प्लान्स को इन सबको रेगुलेट करने वाला कौन है फटाफट से रेगुलेटर का नाम बता दीजिए अगर पता है तो सिक्योरिटी लॉज के अंदर रेगुलेटर कौन है जैसे कंपनी लॉ में एम सी है सिक्योरिटी लॉज में कौन है देवी. तो जी सैबी ने एक ऑर्डर दिया सारे म्यूचुअल फ़ंड्स को कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो 25 तरह के प्लान आप लेके आ गए हो एक ही म्यूचुअल फ़ंड 25 तरह के प्लान लेके आ रहा है एक ही प्लान के अंदर 25 तरह की स्कीम लेके आ रहा है अरे इन्वेस्टर कंफ्यूज हो रहा है उसे समझ नहीं आ रहा कि प्लान्स में डिफरेंस क्या है उसे समझ नहीं आ रहा कि स्कीम्स में डिफरेंस क्या है तो सैबी ने कहा जो सिमिलर टाइप की स्कीम्स हैं उनको कंसोलीडेट कर दो सिमिलर टाइप की स्कीम्स को कंसोलीडेट कर दो अगर आप मान के चलो कि आप कह रहे हो जी फार्मा कंपनी से रिलेटेड चार स्कीम है तो उनको एक स्कीम बना दो ये तो समझ में आता है कि आप टॉप हंड्रेड में इन्वेस्ट करेंगे या फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे या बैंकिंग कंपनीज में ये तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन समझ में आता है लेकिन फार्मा कंपनीज में भी आपने चार स्कीम बना दी तो कहते हैं चार स्कीम कैसे कहते हैं एक स्कीम के अंदर ये कंपनी वन कंपनी टू कंपनी थ्री कंपनी फोर ये चार कंपनीज़ फार्मा कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे दूसरी स्कीम के अंदर कंपनी वन कंपनी सिक्स कंपनी एट कंपनी टेन इन फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे कहता है सैबी ने कहा भैया क्यों इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर रहे हो इनको कंसोलिडेट कर दो तो जिस स्कीम्स को कंसोलिडेट किया गया फिर सैबी ने कहा अगर प्लान्स भी ऐसे हैं जो कि लगभग सिमिलर है तो उन प्लान्स को भी कंसोलिडेट कर दो जिसको भी कंसोलिडेट किया जा सके कंसोलिडेट कर दो अब आपने अगर इस स्कीम की यूनिट्स परचेज की हुई है तो आफ्टर कंसोलिडेशन आपको कंसोलिडेटेड स्कीम की यूनिट्स मिलने वाली है तो आप यह यूनिट सरेंडर कर दोगे जिसके बदले आपको कंसोलिडेटेड स्कीम की यूनिट्स मिलेगी इसी तरह अगर इस प्लान के अंदर आपने यूनिट्स परचेज कर रखी है आफ्टर कंसोलिडेशन इस प्लान की यूनिट्स आप सरेंडर कर दोगे और कंसोलिडेटेड प्लान की यूनिट्स आपको मिलेगी तो यहां पर सेक्शन 47 में कहा गया भैया इस टाइप की जो ट्रांसफर हो रही है जहां पर सिर्फ कंसोलिडेशन की वजह से यूनिट्स को सरेंडर किया जा रहा है और न्यू यूनिट्स को इशू किया जा रहा है कहता है इस टाइप की ट्रांसफर को हम लोग ट्रांसफर कंसिडर नहीं करेंगे और इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना ठीक तो एनी ट्रांसफर बाय अ यूनिट होल्डर ऑफ़ कैपिटल एसेट बीइंग यूनिट और यूनिट्स हेल्ड बाय हिम इन कंसोलिडेटेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड नीचे क्या है प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम बाकी सारी चीज़ सेम है जो मैंने समझाई है बताओ जी इनमें से कोई डाउट हो तो तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें आसान है यहाँ पर हम कहीं भी एक्चुअल में सेल परचेज हो ही नहीं रही है ध्यान से देखिए एक्चुअल में प्रॉफ़िट जनरेट करना गेन क्रिएट करना ये मोटिव है ही नहीं यहाँ किसी भी ट्रांसफ़र में राइट तो इसलिए इनको एग्जम्प्ट कर दिया गया कि इन्हें ट्रांसफ़र कंसिडर नहीं किया जाएगा और अगर एक्चुअल में सामने वाले को कुछ प्रॉफिट हो भी रहा है तो उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आ जाओ जी तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहता है सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब जो एसेट को ट्रांसफर करके मिला राइट कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट मान के चलते हैं जी मैंने घर अपना घर आपको सेल किया तो जो मुझे फुल वैल्यू मिलेगी फुल वैल्यू का मतलब आपने मुझे लेट से एक करोड़ रुपये तो कैश दे दिए ठीक है उसके अलावा आपने आपके पास एक प्लॉट पड़ा था वो प्लॉट मुझे दे दिया छोटा सा प्लॉट था तो एक्चुअल में मुझे सिर्फ़ एक करोड़ रुपये थोड़े ना मिले हैं एक करोड़ रुपये भी मिले प्लस प्लॉट भी मिला है तो उस प्लॉट की वैल्यू जब मैंने वैल्यूएशन करवाई तो दस लाख रुपए की वैल्यू निकली तो कायदे से आपने मुझे क्या दिया एक करोड़ दस लाख रुपए एक करोड़ दस लाख रुपए उसमें से लेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन टू द ट्रांसफर जैसे कि बेचने के लिए अगर एडवर्टीजमेंट किया है तो उसका एक्सपेंस आप डिडक्ट कर सकते हो ब्रोकरेज दिया है जी प्रॉपर्टी डीलर को या एजेंट को तो उसका एक्सपेंस आप डिडक्ट कर सकते हो फिर स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन करवाते हुए तो क्या होता है पार्टीज़ के बीच में डील होती है आधी बायर आधी सेलर बियर करेगा तो आपकी जेब से कोई स्टैंप ड्यूटी गई है तो उसका एक्सपेंस आप डिडक्ट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फ़ी या एनी अदर लीगल एक्सपेंसिस एनी अदर लीगल एक्सपेंसिस का मतलब आ, अगर मैं बात करूं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बायर हो सकता है वकील को हायर करे कि भैया ये जो मैं लैंड परचेज करने जा रहा हूं इसका लीगल टाइटल चेक करो सामने वाला फ्रॉड है या नहीं है तो इवन वो भी यहां पर कंसिडर किया जाएगा विच इज डायरेक्टली एंड होल्ली एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ठीक है मान के चलते हैं जी मेरा टोटल मिला के खर्चा हुआ दस लाख का ब्रोकरेज भी आ गई स्टैम्प ड्यूटी भी आ गई सब कुछ आ गया एडवर्टीजमेंट भी आ गया तो मतलब कुल मिला के मुझे मिले एक करोड़ ठीक है नेट एक करोड़ मुझे मिले उसमें से फिर जी कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितने का एक्वायर किया था लेट से मैंने एक्वायर किया था आज से 20 साल पहले और तब सिर्फ 25 लाख का एक्वायर किया था सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं ना हम तो तो 20 साल पहले क्यों लेट से 18 महीने पहले एक्वायर किया था सिर्फ 24 फोर देखना है ना अगर मैं बात कर रहा हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी बींग लैंड बिल्डिंग और बोथ तो मैं तो बिल्डिंग की बात करूँ रेजिडेंशियल हाउस की बात करूँ तो फोर मंथ्स देखना है शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 18 महीने पहले ही मैंने परचेज किया था आ, 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 80 लाख का और जब मैंने परचेज किया तो थोड़ा सा मुझे इंप्रूवमेंट करनी पड़ी थी बट ऑबियस सी बात है रहने के लिए कभी भी हम कोई भी फ्लैट परचेज करते हैं थोड़ी बहुत तो रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन करना पड़ता है तो पांच लाख रुपए मैंने जी वो भी लगाए थे तो कुल मिलाकर मुझे कितने का पड़ा कहता है जी मतलब कितना मुझे गेन हुआ कहता है पंद्रह लाख तो ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म क्यों कह रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पर इंडेक्सेशन नहीं करी ना तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की इंडेक्सेशन करी ना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की इंडेक्सेशन करी जो मैंने आपको समझाया था ना इन्फ्लेशन का असर नहीं लेके चल रहे हम क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है राइट अब जी कोई एग्जामेशन अवेलेबल हो इन दीज सेक्शंस तो वो डिडक्ट कर सकता हूँ बाकी का क्या हो जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो सिर्फ क्या डिफरेंस है कहता है बाकी सब सेम है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही हम एक्सपेंडिचर लेस कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में वी कैन इंडेक्स्ड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वी कैन इंडेक्स्ड द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ठीक तो इंडेक्सड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमें लेना है हमारे पास क्या जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अच्छा लॉन्ग टर्म के केस में एग्जम्पन्स भी ज़्यादा होती है अलग अलग सेक्शंस के अंदर तो कुछ एग्जम्पन अगर हम क्लेम कर सकते हैं तो लेस कीजिए बाकी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठीक है जी तो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन दूसरी चीज़ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो क्या आई कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या आई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक आ जाइए जी तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को इन्होंने बड़े सिंपल वे में डिफाइन कर रखा है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ट्रांसफरर विदाउट मेकिंग एनी डिडक्शन देयर फ्रॉम तो जी कोई भी डिडक्शन नहीं लेनी है एक बार जो आपको कंप्लीट मिला डिडक्शन तो देखेंगे क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड डिडक्शन कहाँ देखेंगे यहां पर देखेंगे क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड राइट right? यहां पर देखेंगे क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड एक बार तो आप ये बताइए आपको टोटल कितना मिला सिंपल सी बात जैसे मैंने यहां पर कहा कि जी एक करोड़ पे तो कैश मिला और दस लाख का प्लॉट मिला तो बस ये है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ठीक है जो एक्चुअल में आपको बेनिफिट हुआ इट मे बी आई इन कैश और इन काइंड कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमें कंसीडरेशन इंस्टॉलमेंट में मिल रही है तो सेक्शन 45 जो चार्जिंग सेक्शन है वहाँ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल गेन टैक्स इज पेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस राइट तो बड़ी सिंपल सी बात है अगर इंस्टॉलमेंट में भी पैसे मिल रहे हैं तो भी एंटायर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हैज़ टू बी टेकन हैज़ टू बी कंसिडर्ड इन टू अकाउंट इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र हम ये नहीं कह सकते कि भैया अगर मुझे पंद्रह लाख ,00 का कैपिटल गेन हुआ है और गवर्नमेंट कह रहे लाओजी टैक्स दो इस पर मैं ये नहीं कह सकता अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं आए जी कंसिड्रेशन नहीं मिली इंस्टॉलमेंट में पैसे आने हैं गवर्नमेंट कहेगी आप इंस्टॉलमेंट में लो पैसे हमें इंस्टॉलमेंट में टैक्स नहीं चाहिए पूरी ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स बनता है जिस ईयर में एक्चुअल में ट्रांसफर हुई है उसी ईयर में उसी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर में टैक्स पे कर दीजिए सिंपल सी बात ठीक है जी तो डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कुछ केसेस में हमें बता रखा है कि इन केसेस में आपको माइंड नहीं यूज करना जो हम कह रहे हैं बस उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर कर लेना है आपको जैसे कि अगर प्रॉपर्टी या एसेट कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है आग लग जाती है और इंश्योरर से पैसे मिलते हैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलते हैं तो लोग कहते हैं हम मान के चलेंगे आपने अपनी कैपिटल एसेट या कैपिटल एसेट की राख वट एवर इट इज़ किसको ट्रांसफर कर दी इंश्योरेंस कंपनी को और इंश्योरेंस कंपनी से आपको जो पैसा मिल रहा है या फिर इंश्योरेंस कंपनी से आपको अगर पैसा नहीं मिल रहा एसेट मिल रही है तो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू हम मान के चलेंगे आपकी एसेट की फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है ठीक है हां जी कन्वर्जन बाय बाय द द ओनर ऑफ ऑफ कैपिटल एसेट इनटू और इट्स ट्रीटमेंट हिम एज ट्रेड बिजनेस तो जी मेरी कैपिटल एसेट है जिसको मैं बिजनेस अपने ही बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा हूं अपने ही बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा हूं जैसे ज्वेलरी का हमने केस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जी मेरे घर में है ज्वेलरी और मेरा ज्वेलरी का ही काम है तो जो घर की ज्वेलरी थी उसको मैं अपनी दुकान पर बेचने के लिए रख रहा हूँ तो मैंने अपनी ही कैपिटल एसेट को अपने बिजनेस में एज टोकन ट्रेड शो करना शुरू कर दिया अपनी ही एसेट को अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर दिया तो किस वैल्यू पे ट्रांसफ़र मान के चलूँगा लो ने कहा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ़ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन और ट्रीटमेंट तो जिस डेट पर आपने अपने बिजनेस में शो करना शुरू किया उस डेट पर उस ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थीट बी कंसिडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हाँ जी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू फॉर्म ऐसा होता है ना मुझे किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना है मेरे पास कैश नहीं है बट मैंने अपने मेरे पास दो कंप्यूटर थे तो मैंने पार्टनरशिप फॉर्म को एक लाख की बजाय दो कंप्यूटर दे दिए सिंपल सी बात एक लाख की बजाय मैंने वो दो कंप्यूटर दे दिए और उन्होंने मेरा एक लाख शो कर दिया बुक्स में कि मैं भी पार्टनर हूँ और मेरा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आया हुआ है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एक लाख रुपये का तो यही बात तो इन्होंने कही कि अगर इस तरह से आप कोई एसेट किसी फर्म को ए को बी BO, ओ को ट्रांसफ़र करते हो पार्टनर बनने के लिए या मेम्बर बनने के लिए तो आपका जो अमाउंट एक्चुअल में बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा कितने के लैपटॉप पता नहीं जी मार्केट वैल्यू नहीं करवाई लेकिन फर्म में कितने रुपए में आपके लैपटॉप शो हुए हैं आपका कंट्रीब्यूशन कितना दिखाया गया लैपटॉप की वजह से एक लाख रुपए का तो इसका मतलब आपके लैपटॉप की वैल्यू क्या मान के चलेंगे हम एक लाख रुपए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या मान के चलेंगे आपके लिए एक लाख रुपए ठीक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया गया है आ जाइए जी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डिजोल्यून ऑफ फर्म ए पी बी ओ आई अच्छा फर्म डिजोल्व हो रही है तो पार्टनर को एसेट्स ट्रांसफर कर सकती है एज इट इज़ जो फर्म के पास एसेट है वो भी ट्रांसफर कर सकती है या दूसरा तरीका क्या होता है सारी एसेट्स को पहले डिस्पोज ऑफ करो सेल करो मनी में कन्वर्ट करो और उसके बाद पार्टनर्स को अकॉर्डिंग टू देयर शेयर पैसा दे दो ठीक एक तरीका ये भी है कि जो पार्टनरशिप फर्म के पास एसेट्स है पार्टनर वो एसेट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो मतलब ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम द फर्म एओपी और बीओआई टू द मेंबर्स इन केस ऑफ रिजोल्यूशन ठीक तो जिस डेट पर ट्रांसफर की जा रही है उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर बाय द इंडिविजुअल और एच यू एफ ऑफ कैपिटल एसेट बींग लैंड बिल्डिंग और बोथ अंडर स्पेसिफिक एग्रीमेंट फॉर डिवेलपिंग अ रियल स्टेट प्रोजेक्ट क्या होता है कि भैया किसानों की बड़ी सी जगह है अब यह रियल स्टेट डेवलपर जाके उस जगह को एक्वायर करता है अब ये एक किसान की जगह तो नहीं है अलग अलग किसानों की जगह है लेकिन उसे तो पूरी चाहिए अगर वो कोई रियल स्टेट प्रोजेक्ट यहाँ पर लेट्स से सोसाइटी बनाना चाहता है टाउनशिप बनाना चाहता है इस टाइप का कुछ भी है राइट तो वो लोग एग्रीमेंट के अंदर रियल स्टेट डिवेलपर को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उस केस में क्या वैल्यू कंसीडर की जाएगी अगर स्पेसिफिक वैल्यू नहीं भी है एज पर द एग्रीमेंट राइट तो भी क्या वैल्यू कंसीडर की जाएगी स्टैम्प वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ इंडिविजुअल या एच इन लैंड बिल्डिंग और बोथ प्लस एनी अदर कंसिडरेशन वेदर रिसीव्ड इन कैश और काइंड तो जो हिस्सा है उसका तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडर की जाएगी उसके अलावा जो मिल रहा है वो भी कंसिडर किया जाएगा वेयर अ शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी रिसीव्स मनी अब जी कंपनी लिक्विडेट होती है तो कंपनी के पास दो तरह की एसेट्स पा सकती है एक तो जनरल रिजर्व पा सकते हैं फ्री रिजर्व जो कि एक्चुअल में कहाँ से क्रिएट किए गए हैं कंपनी के प्रॉफिट से ठीक अब जी अगर कंपनी के प्रॉफिट एक्यूमेटेड प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को कुछ दिया जाता है तो एक्चुअल में डिविडेंड कहलाता है वो एक्चुअल में क्या कहलाता है डिविडेंड उसको छोड़कर जो कंपनी के पास एसेट्स है अब मान के चलते हैं कि कंपनी के पास एसेट्स जो है टोटल मिलाकर एक करोड़ रुपए की इस एक करोड़ रुपए में से कहता है जी बीस लाख का तो फ्री रिजर्व है टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट तो मैं कहूंगा से ये अमाउंट कंपनी को मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बट कंपनी ने उठा के रखा फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज ठीक और बाकी का कंपनी के एसेट्स अब जी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है मान के चलते कंपनी के शेयर होल्डर्स है सिर्फ थाउजेंड अब ये एक करोड़ रुपए इन थाउजेंड शेयर होल्डर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होने हैं राइट मान के चलते हैं जी टोटल मिला के शेयर्स कितने हैं हर शेयर होल्डर के पास हंड्रेड शेयर्स है तो टोटल मिला के शेयर्स कितने हैं एक लाख शेयर्स तो ये वन करोड़ रुपीज इन एक लाख शेयर्स में ही डिवाइड किए जाएंगे कहा जी लो ने कहा जी इसको अलग से ट्रीट करो और इसको अलग से ट्रीट करो ये कायदे से क्या है यह कायदे से है डिविडेंड जो कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था पर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और ये क्या है यह कंपनी की है एसेट्स ठीक तो ये जो एसेट्स है जब हम इसकी बात करते हैं तो 80 लाख ,00 रुपीस की एसेट है 1 लाख ,00 शेयर्स है तो पर शेयर कितना मिलने वाला है शेयर होल्डर को कहता है, मिलने तो वाला है सौ रुपये लेकिन इस सौ रुपये में से बीस रुपये तो डिविडेंड है बाकी अस्सी रुपये क्या है वैल्यू ऑफ शेयर ये क्या है डिविडेंड और ये क्या है कंसीडरेशन फॉर शेयर अब जी मैंने जब ये शेयर लिया था तो लिया था दस रुपये का एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन मुझे मिल कितने रहे अस्सी रुपये तो सत्तर रुपये क्या है मेरा कैपिटल गेन सिंपल सी बात तो यह समझाने की बात यह है कि ये ट्वेंटी रुपीज को कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये तो क्या है डिविडेंड एक्चुएटेड प्रॉफिट में से दिया जा रहा है ट्वेंटी ये डिविडेंड है सिर्फ ये अस्सी रुपये को कंसिडर किया जाएगा टू फाइंड आउट द कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस द मार्केट वैल्यू ऑफ द अदर एसेट्स ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेस 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 द अमाउंट दसेस्ट एज डिविडेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन टू ट्वेंटी टू सी तो सेक्शन टू ट्वेंटी टू के अंदर डिविडेंट को डिफाइन किया हुआ है राइट तो वही बात ये कह रहे हैं कि जो सौ रुपए मिलना था उसमें से बीस रुपए लेस कर दो अमाउंट असिस्ट एज डिविडेंट ठीक तो अस्सी रुपए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी फॉर द शेयर जी ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ कहता है वैल्यू फॉर द ऑफ स्टैंप ड्यूटी और वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय एवर इज मोर होता क्या है हम कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं मार्केट वैल्यू उसकी एक करोड़ की है लेकिन पेपर पे हम बीस लाख रुपए दिखाते हैं पेपर पे बीस लाख रुपए दिखाते हैं चाहे हम उसके लिए पे कर रहे हैं एक करोड़ रुपए क्यों क्योंकि जितना हम पेपर्स पे दिखाएंगे उतने के ऊपर हमें स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है तो लो ने क्या कहा कि क्या वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माना जाएगा स्टैंप ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यू आपने लिया या फिर जो आप एक्चुअल में पेपर्स में दिखा रहे हैं विच एवर मोर ठीक है ट्रांसफर ऑफ कैपिटलेशन इज नॉट फेयर मार्केट वैल्यू सिंपल बताओ जी इसमें कोई डाउट हो तो जाइए जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब हमने कॉस्ट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का प्रोविजन कर लिया अब क्या देखना है जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस तो हमें पता ही है क्या क्या हो सकते हैं वे चार एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ सेल अब हम हमें क्या देखना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फिर हम क्या देखेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट राइट आ जाओ जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो सेक्शन 52 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हाँ uh, फिफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप देखिएगा अलग अलग जगह सेक्शन 55 को रेफर किया हुआ है तो 55 टू में क्या कहा गया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द वैल्यू विच दी हैज पेड और द अमाउंट विच ही हैज इंकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ द एसेट इट इंक्लूड्स द अमाउंट इंक्लू इंकर्ड फॉर कंप्लीटिंग और एक्वायरिंग द टाइटल ठीक अब यहां ध्यान दीजिए सेक्शन 55 कह रहा हूं मैं ये क्या है सेक्शन 55 फाइव कॉस्ट ऑफ एक्वीजीशन ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर दिस डेट सेक्शन 55 फाइव कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन ऑफ गुडविल ट्रेड ब्रांड नेम सेक्शन इशू बोनस इशू तो कुल मिला के कॉस्ट ऑफ एक्विशन का हमारा सेक्शन है क्या सेक्शन 55 ठीक है अब जनरल तो हमने देख लिया स्पेसिफिक प्रोविजंस आगे देखेंगे और सेक्शंस की बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि सेक्शन 49 सब सबसेक्शन वन की बात करें सेक्शन 49 सब सबसेक्शन वन ये सेक्शन याद होना चाहिए डायरेक्टली एग्जाम में ये लिखा जा सकता है अंडर सेक्शन 49 नाइन सबसेक्शन वन यहां पर जो चीज हमें क्या मिल जो भी चीज हमें मिल रही है वो फ्री में मिल रही है एस को जो मिल रहा है कैपिटल एसेट वो क्या मिल रहा है फ्री में मिल रहा है एक्चुअल में एस की जेब से पैसा नहीं गया है फॉर एक्वायरिंग दैट कैपिटल एसेट तो जी इट मे बी आई ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द टोटल और पार्शल पार्टीशन ऑफ एच अंडर अ गिफ्ट और विल बाय सक्सेशन इनहेरिटेंस या फिर डिवोल्यूशन ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी अंडर अ ट्रांसफर टू अ रिवोकेबल और इन रिवोकेबल ट्रस्ट अंडर एनी ट्रांसफर बाय द होल्डिंग कंपनी टू हंड्रेड परसेंट सब्सिडी कंपनी और वाइसा वर्सा राइट प्रोवाइडेड द ट्रांसफर कंपनीज़ इंडियन कंपनी अंडर एनी स्कीम ऑफ अमल कमीशन ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं ऊपर आपने पढ़ा था ना कि इन सबको तो हम ट्रांसफ़र ही कंसिडर नहीं करते हमने ऊपर पढ़ा था ना इन सबको हम ट्रांसफर ही कंसिडर नहीं करेंगे एक्चुअल में आपको जो मिल रहा है वो फ्री में मिल रहा है ठीक है जी अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं मान के चलते हैं मिस्टर एक्स हैं जी उनको उनके फादर से कोई एसेट एज गिफ्ट मिली है कैपिटल एसेट एज गिफ्ट मिली है तो मिस्टर एक्स को क्या पे करना पड़ा कहता है यहां पर कंसिडरेशन क्या है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है निल। ठीक और लो ने कहा कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई है जहां गिफ्ट में गया है मिस्टर एक्स के पास नोट ट्रांसफर इसे हम ट्रांसफर ही कंसीडर नहीं करते हम ऊपर पढ़ चुके हैं सेक्शन 47 में ठीक है जी लेकिन जब मिस्टर एक्स इस एसेट को आगे सेल करेंगे मिस्टर वाई को सेल करेंगे तो वो तो सेल कर रहे हैं ना तो ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है यस yes. तो इसका मतलब यहां पर मिस्टर एक्स इज लाइबल टू पे कैपिटल गेन कैपिटल गेन टैक्स ठीक है जी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें निकालना है जी मिस्टर एक्स को कितना कैपिटल गेन हुआ है अब मिस्टर एक्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील है तो इसका मतलब मिस्टर एक्स जितने में बेचेंगे सारा मिस्टर एक्स को कैपिटल गेन होगा आंसर इज नो सेक्शन 49 ने कहा कि इस टाइप के केसेस में जो यहां पर हमने सब सेक्शन वन में दे रखा है आपको चीज़ मिल रही है अंडर द स्कीम ऑफ अमल कमीशन और द पार्टीशन ऑफ एच यू एफ और ड्यू टू पार्टीशन ऑफ हाँ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फ्री में मिल रही है ट्रस्ट में मिल रहा है आपको सक्सेशन की वजह से मिल रहा है विल की वजह से मिल रहा है इनहेरिटेंस की वजह से मिल रहा है तो ये सारा क्या है फ्री का सौदा मतलब जब आपको मिल रहा है तब कुछ नहीं पे करना पड़ रहा सिंपल सी बात यह है राइट तो लो ने कहा जी हमें क्या कंसिडर करना है कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मान के चलेंगे हम प्रीवियस ओनर यहां कौन है फादर अब जी बात फादर के ऊपर आ जाती है तो ये देखो जी फादर ने क्या परचेज की थी ये फादर को भी गिफ्ट मिला था अगर फादर ने परचेज की थी तो जी कोस्ट टू प्रीवियस ओनर ठीक है जी अगर फादर को भी अपने फादर से गिफ्ट मिली थी तो ग्रैंड फादर हो गए जी उनसे फादर को मिली थी गिफ्ट बात फिर वहीं की वही कि, कि भैया मिस्टर एक्स को जिनसे मिली थी उन्होंने भी कुछ नहीं पे कर रखा तो इवन दिस ट्रांजैक्शन इज नोट अ ट्रांसफर और इवन इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नील तो लोने ने कहा उससे पहले वाले ओनर को देखो और तब तक जाते रहो पीछे जब तक आपको वो ओनर ना पा जाए जिसकी जेब से पैसा गया हो मान के चलते हैं जी दादाजी की जेब से पैसा दिया गया था तो कोस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मान के चली जाएगी जो दादाजी ने पे किया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मान के चला जाएगा जो दादाजी ने पे किया था कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर क्लियर है जी पॉइंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट फॉर विच प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इट एज इंक्रीज बाय द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट इनकर्ड और बोर्न बाय द प्रीवियस ओनर और द एस ठीक है तो दादाजी ने यहां पर एक्वायर किया था जीएफ का मतलब दादाजी है गलत मत ले जाना ग्रैंडफादर एक्वायर किया था उसके बाद हो सकता है दादाजी ने इंप्रूवमेंट करियो दादाजी ने पैसे लगायो हो, हो सकता है फादर ने इंप्रूवमेंट करियो पैसे लगाए हो, हो सकता है बेचने से पहले मिस्टर एक्स ने भी इंप्रूवमेंट करियो पैसे लगायो तो जिसकी से पैसा लगाया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसिडर किया जाएगा हर बार का ठीक है जी अब इन्होंने क्लियर कट कह दिया जी प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू एनी कैपिटल एसेट ओन्ड द सेसी मींस लास्ट प्रीवियस ओनर ऑफ द कैपिटल एसेट हु एक्वायर्ड इट बाय अ मोड ऑफ एक्वाजिशन अदर देन स्पेसिफाइड अबाउ मतलब जिसकी जेब से पैसे गए हो जिसने इनमें से किसी वे में एक्वायर करिए हम उस प्रीवियस ओनर की बात नहीं कर रहे जिसकी जेब से एक्चुअल में पैसे गए हो एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बीयर की हो जिसने हम उस प्रीवियस ओनर की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ फादर को भी इग्नोर किया क्योंकि इनको भी फ्री में मिला था तो मैं ग्रैंड फादर तक गया कि हाँ जी इन्होंने परचेज़ किया था या इनको भी फ्री में मिला था इन्होंने परचेज़ किया था तो जो ग्रैंड की कॉस्ट है वो कंसिडर की जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ट्रांजेक्शन तो मान के चलते हैं ग्रैंडफादर ने परचेज किया था लेट से दस लाख रुपए का फिर जी ग्रैंडफादर ने तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं करवाई थी लेकिन उन्होंने जब अपने बेटे को दिया मतलब फादर को दिया तो फादर ने इंप्रूवमेंट करवाई लेट से फादर ने इंप्रूवमेंट पे खर्च करे पांच लाख रुपए फिर जी फादर ने अपने सन को दिया मिस्टर एक्स को मिस्टर एक्स ने दोबारा उसे बेचने से पहले ठीक ठाक करवाया और क्योंकि अब जमाना बदल गया मिस्टर एक्स के लगे इसके ऊपर 25 लाख ,00 रुपए ठीक ठाक करवाने में अच्छा खासा बढ़िया सा करवाने में ठीक है तो क्या ये लॉन्ग टर्म कोस्ट द आंसर इज़ यस इंडेक्सेशन होगी यस क्या ये भी लॉन्ग टर्म कोस्ट द आंसर यस इंडेक्सेशन होगी यस ये हो सकता है लॉन्ग टर्म में हो सकता है शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सेशन नहीं होगी लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्सेशन होगी सिंपल सी बात तो हमारे पास क्या जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट उसमें से मान के चलते हैं जी मान के चलते हैं वैसे ही एक करोड़ पे आ गया उसमें से मिस्टर एक्स को जो मिला तो सेल कंसीडरेशन मान के चलते हैं जी आ, तीन करोड़ की ठीक तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी इग्नोर कर रहे हैं हम एक्सपेंसेस वगैरह को इग्नोर कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो भैया कैपिटल गेन अब ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा बट अभी ऐसी बात है होल्डिंग पीरियड याद है ना इस केस में होल्डिंग पीरियड कहाँ से चलना है कहाँ से चलना है जिसने पे किया था वहां से सारा इंक्लूड किया जाएगा होल्डिंग पीरियड ठीक तो क्लियर है जी तो यहां पर क्या कहा गया प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट ओन बाय द मींस द लास्ट प्रीवियस ओनर ऑफ द एसेट कैपिटल एसेट हु एक्वायर्ड इट बाय द मोड अदर देन स्पेसिफाइड अबव मतलब जिसने फ्री में नहीं ली जिसने एक्चुअल में पे किया है कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी अब जी ए बी में अमलगमेट हुई तो ए के शेयर्स आपको सरेंडर करने पड़ेंगे बी के शेयर्स मिलेंगे जो बी के शेयर्स की कॉस्ट है कहता हैं जितना आपने ए के शेयर्स के लिए पे किया था वही बी के शेयर्स की कॉस्ट मानी जाएगी कितने पे किया था मैंने कहा जी एक हज़ार रुपये उसके बदले आपको बी के शेयर्स मिले ना मैंने कहा हाँ कितने शेयर मिले दस शेयर तो इन दस शेयर की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी एक हज़ार रुपये जो आपने ए के शेयर्स के लिए पे किया था जिसके बदले आपको बी के शेयर्स मिले सिंपल सी चीज़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स एक्वायर्ड ड्यू टू कन्वर्जन अब जी मैंने कंपनी के डिबेंचर्स परचेज़ कर रखे थे एक हज़ार रुपये के बाद में कंपनी ने उन डिबेंचर्स को फिफ्टी परसेंट रिडीम कर दिया पाँच सौ रुपये मुझे दे दिए और फिफ्टी परसेंट के नाम के मुझे शेयर्स दे दिए कितने शेयर्स दिए दस शेयर्स दस शेयर्स कितने रुपये के बदले दिए पाँच सौ रुपये के बदले तो इन दस शेयर्स की वैल्यू क्या है सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर स्वेट इक्विटी शेयर इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही कि भैया फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर की जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू विच हैज बिन टेकन इन टू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ सब कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन क्या है शेल बी फेयर मार्केट वैल्यू अब जी अगर आपको सैलरीज वाला हेड याद हो तो स्वेट इक्विटी शेयर्स सैलरीज वाले हेड में कहाँ पड़ा है स्वेट इक्विटी शेयर ये वर्ड सैलरीज वाले हेड में कहा पड़ा है नहीं याद सेक्शन सेवनटीन किस चीज से रिलेटेड था आपको क्या लग रहा है एग्जाम से एक दिन पहले सारा रिवाइज करने वाले हो किस चीज की डेफिनेशन किस चीज को डिफाइन किया हुआ है सेवनटीन टू में परक्स के बारे में बता रखा है प्रक्व्यूजिट्स के बारे में कितने परक्विजिट्स बताए थे मैंने आपको उसमें से एक क्या था स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी अपने एम्प्लॉज को स्वर्ट इक्विटी शेयर्स देती है फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये एम्प्लॉय के हाथ में क्या है टैक्सेबल पर्क और टैक्सेबल पर्क है तो इसकी हमें क्या करनी है वैल्यूएशन और वैल्यूएशन करते हुए क्या देखना है फेयर मार्केट वैल्यू और ये फेयर मार्केट वैल्यू क्या मान के चली जाएगी एम्प्लॉय की इनकम कहाँ इंक्लूड होगी इंक्लू शेल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एम्प्लॉय जब एम्प्लॉई इस फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर टैक्स पे करेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन शेयर्स की क्या मानी जाएगी वो फेयर मार्केट वैल्यू जो कि एम्प्लॉय की इनकम में इंक्लूड की गई थी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट वही तो कह रहे हैं वेद द कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या शेयर्स रेफर टू इन सेवनटीन टू फोर मतलब सर्टिफिकेट शेयर या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी टू द इम्प्लॉयज़ तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन ऑफ सच सिक्योरिटी या शेल बी द फेयर मार्केट वैल्यू विच हैज बीन टेकन इन अकाउंट जो उस हेड में अकाउंट में ली गई थी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन मतलब सब क्लोज मतलब फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ दैट परक्विजिट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एंप्लॉ क्लियर है मत जोड़ो चीजों को मत रिवाइज करो हाँ जी कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ पार्टनर ऑन द कन्वर्जन ऑफ कंपनी टू एलएलपी अगर कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो भैया जितने शेयर कंपनी में आपके पास थे उसी के बदले तो एलएलपी में आपको पार्टनरशिप मिली है तो जो एलएलपी में पार्टनरशिप मिली है राइट ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनरशिप जो मिली है एलएलपी के अंदर उसकी वैल्यू क्या है जो जितने वैल्यू के शेयर्स थे आपके पास कंपनी में सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू हिम ऑफ शेयर्स या शेयर्स इन द कंपनी इमीडिएटली बिफोर इट्स कन्वर्जन जब भी एडीआर को शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या के चला जाएगा ऑफ शेयर्स कहता है एडीआर जी डी आर के बदले शेयर्स मिले है ना तो जितने रुपए के आपने एडीआर आर जी डी आर परचेज किए थे एडीआर जी डी आर जब आपने परचेज किए थे उसके बदले आपको शेयर्स मिल रहे हैं कन्वर्जन हो रही है शेयर्स के अंदर तो जिस डेट को कन्वर्जन हो रही है उस डेट का मार्केट प्राइस कहाँ गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेल बी प्राइस ऑफ सच शेयर्स या शेयर्स प्रिवेलिंग ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑन विच रिक्वेस्ट फॉर सच रिडम्शन वॉज मेड मतलब जब कन्वर्ट किए जा रहे हैं उस डेट पर मार्केट प्राइस क्या है उन शेयर्स का दैट प्राइस शेल बी कंसिडर एज कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्जिशन ऑफ यूनिट्स और यूनिट इन कंसोलीटेड म्यूचुअल फंड यह तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कंसोलीडेटेड म्यूचुअल फंडम कंसोलीडेटेड म्यूचुअल फंड प्लान तो जब इंडिविजुअल स्कीम के यूनिट्स लिए थे जिसके बदले अब आपको कंसोलिडेटेड फंड के यूनिट्स मिल रहे हैं तो ज, जिस रुपए में आपने इंडिविजुअल स्कीम के यूनिट लिए थे उसी के बदले तो कंसोलिडेटेड स्कीम के यूनिट्स मिल रहे हैं तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिंपल सी बात है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन कन्वर्जन ऑफ प्रेफर टू इक्विटी शेयर्स शेल बी द पार्ट वही सिंपल सी बात है जैसे डिवेंचर्स वाला एग्जाम्पल लिया था वही यहां पर होगा अगर प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स पर कन्वर्ट किया जाता है तो जितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयर्स उन इक्विटी शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगी सेम होगी बताओ जी यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए अब आप एक काम कीजिए क्योंकि आज स्टूडेंट्स बहुत थोड़े और काफ़ी के मैसेज आ गया है कि सर वो फेस्टिवल है कल उसकी वजह से मेहंदी लगाए बैठे हैं ये करे बैठे हैं तो जो दो चार पांच बच्चे आते हैं लाइव क्लास में वो भी नहीं आए आज तो इसलिए आज की क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं लेकिन मंडे को जो क्लास होगी कल तो नहीं होगी कल तो खैर फेस्टिवल है कल क्लास लूँ तो मैम मुझे ही मंडे को जो क्लास होगी उससे पहले ये क्लासेस जो हुई है कैपिटल गेन की रिवाइज़ करके आइएगा क्योंकि मंडे को हमारा कैपिटल गेन मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगा अगर नहीं भी हो पाया तो ट्यूसडे को हो जाएगा लेकिन अगर ये प्रोविजंस आपके दिमाग में नहीं होंगे सारे के सारे तो क्वेश्चन आंसर्स करने में बड़ी दिक्कत आएगी एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ठीक है और प्लीज़ क्लास में जवाब दिया कीजिए अदरवाइज़ तो फिर वही वाली बात होगी रिकॉर्डिंग वाली बात होगी कि मैं बोले जा रहा हूँ दीवारों को और कोई रिप्लाई आता नहीं है तो थोड़ा सा इंट्रैक्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल में सब चीज़ें आप तक पहुँचे जो मुझे पता है